हर बार जब कोई भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का जिक्र करता है तो दिमाग में क्या आता है? समृद्ध संस्कृति, विरासत, हरी भरी हरियाली, सुखद जलवायु, खूबसूरत घाटियाँ कम से कम एक बार तो देखने लायक होती हैं। लेकिन कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी कई जगहें हैं जो कि बड़ी रहस्यमय भी हैं। उनमें से एक आसाम की जटिंगा नाम की एक वैली है। इस जगह को मौत की घाटी यानी कि डेथ वैली के रूप से भी जाना जाता है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। क्या है डेथ वैली, क्या है इसकी पूरी कहानी? जटिंगा, द वैली ऑफ डेथ। असम का दीमा हसाओ जिला है जहाँ जटिंगा नाम का एक छोटा सा गांव स्थित है। यह छोटा सा गांव अनंत प्रकृति सुंदरता और हरे भरे हरियाली के लिए काफी फेमस है। लेकिन यह जगह भारत की सबसे रहस्यमय जगहों में से भी एक है। इसके पीछे की एक वजह है पक्षियों की आत्महत्या। हाँ, अलग अलग हिस्सों से पक्षी हर साल इस गांव में प्रवास या सहवास के लिए नहीं बल्कि आत्महत्या करने आते हैं। सितंबर से नवंबर के बीच सैकड़ों पक्षी इस गांव में उड़कर आते हैं और यहां आत्महत्या कर लेते हैं। विभिन्न पक्षियों के विभिन्न जातियां जैसे कि किंग फिशर, टाइगर बिटन, ब्लैक बिटन, पॉन्ड हेरन, इंडियन पीटा, लिटिल एगरेट, ग्रीन पिजन, ब्लैक ड्रोंगो, एमरॉल डव और कई अन्य पक्षी इस गांव में उड़ते उड़ते ही मर जाते हैं। यही कारण है कि यह गांव को मौत की घाटी के नाम से भी बहुत लोगों द्वारा जाना जाता है। इस डरावनी घटना के पीछे आखिर रहस्य क्या है? वर्षों से स्थानीय ग्रामीणों का मानना था कि यह घटना गांव में मौजूद कुछ बुरी आत्माओं के कारण होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रहस्यमय जगहों को कई शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों द्वारा शोध का विषय भी बनाया गया। कई पक्षी विज्ञानी या यूं कहें ऑर्निथोलॉजिस्ट इस घटना को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और इस पर अध्ययन भी करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। लेकिन वो क्या है? उन्होंने देखा कि यह सितंबर और नवंबर के बीच एक खास समय होता है जो शाम के 7 बजे से देर रात 10 बजे के बीच का होता है। कई वैज्ञानिकों ने देखा कि इस अवधि के दौरान किंगफिशर, तालाब के बुगले और छोटे बाघ जैसी पक्षियां अजीब व्यवहार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस समय पक्षी अलग स्थानों पर चले जाते हैं और जटिंगा में एक साथ एकजुट हो जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कई पक्षी बहुत थके हुए, स्तब्ध दिखते हैं और पेड़ों और इमारतों से टकराकर नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन इस तरह प्रवासी पक्षियों को तो उचित ठहराया जा सकता है, अन्य प्रजातियों के बारे में क्या? ये एक रहस्य आज भी बना हुआ है। आपके विचार में ऐसा क्यों है? ये पक्षी इतनी दूर मात्र आत्महत्या करने की मंशा से क्यों आते होंगे? अगर आपकी जानकारी में हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए IBC24 के सोशल मीडिया चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करें।